विश्वास भरी दोस्ती एक टॉपिक के ऊपर लगातार वचनों को प्रचार कर रही है, और हम लोग यूहन्ना का जो पहला यूहन्ना का पत्र है उसको ख़त्म कर चुके हैं, और पिछले सप्ताह हमने दूसरा यूहन्ना की इस चिट्ठी को शुरुआत किया था। ये चिट्ठी काफ़ी छोटी थी जिसमें एक ही अध्याय था, तो आधे अध्याय को हमने पिछले सप्ताह पढ़ा और आधा अध्याय इस सप्ताह हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस बात के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी भी हमें आइडिया नहीं है कि लॉकडाउन का इस तरीके से कब खुलेगा कि हम एक साथ इकट्ठा होकर संगति कर पाएँ, लेकिन प्रभु ने जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है और ये सुविधा दी है जूम के द्वारा या फेसबुक लाइव के द्वारा, तो हम आप तक पहुंच पा रहे हैं और आप हमारे साथ मिलकर संगति कर पा रहे हैं। ये वाकई में परमेश्वर का अनुग्रह है। और इन सब बातों को लेकर, जैसे कि हमने पिछले सप्ताह पहला यूहन्ना एक अध्याय उसका एक पद से लेकर छः पद तक अध्ययन किया था, और इस सप्ताह हम लोग पहला यूहन्ना अध्याय एक उसका 7 से 13 तक अध्ययन कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा कि यूहन्ना वाकई में कुछ चीज़ों को बहुत ही साफ तरीके से हम सबके सामने और खासकर कलीसिया के सामने लेकर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम, झूठी शिक्षा की प्रॉब्लम उस जमाने में भी चल रही थी, उस समय में भी चल रही थी, और अभी भी ये लगातार बनी हुई है और एक कलीसिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इस चीज़ को यूहन्ना यहाँ पर साफ तौर पर दर्शाना चाह रहा है। और वाकई मैं उस भाग को एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा, और इस तरीके से हम फिर उसके अध्ययन में चलेंगे। तो आज के इस भाग को मैंने जैसा नाम दिया है इस टॉपिक का कि झूठी शिक्षा से सावधान, और उसमें कुछ बातों को मैंने आगे की स्लाइड में लिखा है। तो इसका टॉपिक है झूठी शिक्षा से सावधान, और आगे स्लाइड पे मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट भी किया है जहाँ पर इस अध्याय को मैं यहाँ पर एक बार पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरा यूहन्ना अध्याय एक उसका 7 पद से लेकर 13 पद तक कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विश्वास में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसको ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सन्मुख होकर बातचीत करूंगा जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन और उसके लड़के वाले तुझे नमस्कार करते हैं। आइए हम इस वचन में आगे जाने से पहले हम लोग एक प्रार्थना को करें कि प्रभु हमें मदद करें इन वचनों को समझने के लिए, और खासकर इन वचनों के द्वारा प्रभु जो हमें सिखाना चाहता है उस चीज़ को हम गहराई से लागू कर सकें। धन्यवाद प्रभु, इस समय हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज के दिन में आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके इस वचन को, जो कि दूसरा यूहन्ना उसके एक अध्याय उसका 6 से 13 तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, आप हमारे मन और दिल को खोलिएगा और अपने पवित्र आत्मा का ज्ञान और बुद्धि हमें दीजिएगा जिनसे कि हम इस वचनों को सही प्रकार से सीख पाएँ, समझ पाएँ, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम फलवंत हो सकें इन वचनों के द्वारा। आप हम सबकी मदद कीजिएगा। मैं इस वचन को जो आपकी कलीसिया के सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप मुझे भी अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिएगा। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, इस बात को वाकई में पिछले सप्ताह का जो टॉपिक था जिस पे मैंने प्रचार किया था प्रभु की ओर से, और उसका टॉपिक का नाम रखा था कि सत्य जो जीवन जीने की राह है, और आज जो टॉपिक है उसको नाम दिया है कि झूठी शिक्षा से सावधान। तो
शायद इस चीज को हम बोल सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि दूसरा यूहन्ना की जो पत्र है वो सत्य और झूठ के विषय में हमें बड़ी बहुत ही साफ तरीके से बताना चाह रहा है कि जिससे कि हर एक विश्वासी जन, हर एक व्यक्ति उस सच्चाई को जाने और साथ में उन तमाम झूठों को भी जाने जिनके द्वारा वो अपने विश्वास को में कमजोर हो सकता है, जिनके द्वारा वो अपने विश्वास में गिर सकता है। तो यूहन्ना सत्य को भी बहुत ही खराई से और साफ तरीके से बता रहा है और उसके साथ में वो उस झूठ को भी एक्सपोज कर रहा है, उस झूठ को भी दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, जिससे हम सबको सावधान रहना चाहिए। तो एक स्लाइड पे मैंने दूसरा यूहन्ना का 7 पद को के बारे में थोड़ा सा मैंने उसमें लिखा है और 7 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। और 7 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी वही है। और इस चीज के द्वारा इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जान लें कि उस समय बहुत से ऐसे लोग थे, क्योंकि जिस समय यूहन्ना इस चीज को लिख रहा था उस समय तक यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए थे और वो लोगों के बीच में इस संसार में नहीं थे, एक मनुष्य के तौर पर नहीं थे। और वहां पर यीशु मसीह के जो चेले थे वो लोगों को वचन प्रचार कर रहे थे और उनमें से कई ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह को एक मनुष्य नहीं मानते थे। हो सकता है कई लोग, क्योंकि उस समय स्वर्ग दूतों का बहुत ज्यादा क्रेज था, कई बार स्वर्ग दूत आकर लोगों से बातचीत करते थे। यहाँ तक कि अगर हम देखते हैं तो मरियम से स्वर्ग दूत ने बात की, यूसुफ से स्वर्ग दूत ने बात की, जो लोग यीशु मसीह के माता पिता थे। तो कई लोग इस एक चीज को बाहर लेकर आते थे कि यीशु मसीह शायद एक स्वर्ग दूत थे, कुछ समय के लिए आए और चले गए। तो इस तरीके से शायद एक झूठ को फैलाया जा रहा था। कुछ लोग मानते तो थे कि यीशु मसीह मनुष्य थे, लेकिन वो यीशु मसीह को बस एक शिक्षक के तौर पे मानते थे कि यीशु मसीह एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं या एक धर्म गुरु हैं जो बहुत अच्छी अच्छी धर्म की बातें करते हैं। हो सकता है हम में से भी कई लोग इन चीजों को कहीं ना कहीं भरोसा करते हो कि यीशु मसीह एक बहुत ही ज्ञानी महापुरुष होंगे, यीशु मसीह एक बहुत ही गुरु जैसे एक व्यक्ति होंगे। शायद शायद हम में से बहुत लोग इन चीजों को सुना होगा या हमारे अंदर भी इस तरीके का एक धारणा हो सकती है। और इन सब लेकिन किसी भी तरीके का इस चीज को हमें जानना बेहद जरूरी है कि यीशु मसीह मनुष्य थे और साथ में एक परमेश्वर थे, क्योंकि तो इस झूठ के साथ हम अपने विश्वास को बहुत ही ज्यादा एक कमजोर स्थिति में पाएंगे। अगर हम यीशु मसीह को एक मनुष्य के तौर पर, अगर हम इस पद 7 को आगे लेकर बढ़ते हैं जहां पर कई लोग ये मानते थे कि यीशु मसीह एक मनुष्य नहीं थे या इस तरीके की झूठी शिक्षा फैला रहे थे, तो आज हमारे लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है कि हम यीशु मसीह की उस सच्चाई को जाने कि यीशु मसीह आखिरकार एक मनुष्य थे या एक परमेश्वर थे। इस सच्चाई को हम लोग जाने, क्योंकि तो ये हमारे विश्वास में स्थिर रहने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और इसलिए कि यीशु मसीह, अगर हम मरकुस रचित सुषमाचार है, लूका रचित सुषमाचार है, मत्ती रचित सुषमाचार है, किसी भी चारों सुषमाचार को उठा के देखते हैं तो यीशु मसीह स्वयं इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, या वो एक मनुष्य होने की घोषणा करते हैं। स्वयं यीशु मसीह इस चीज की घोषणा करते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे कुछ पहलुओं को देखें जहां पर अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह का जन्म एक मनुष्य के समान हुआ, वो मरियम के द्वारा उत्पन्न हुए। अगर हम यीशु मसीह को एक फरिश्ता या स्वर्गदूत बोलते हैं तो शायद स्वर्गदूत और फरिश्ते उत्पन्न नहीं होते हैं मनुष्य के समान, वो जस्ट प्रकट हो जाते थे और फिर लोगों से बात करते थे और फिर उसके बाद फिर से गायब हो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह एक मनुष्य थे, इस चीज का अगर हम प्रमाण देखें तो उन्होंने एक मनुष्य के समान जन्म लिया एक स्त्री से। और इसके साथ साथ अगर हम लूका रचित सुषमाचार, मरकुस रचित सुषमाचार को देखें तो यीशु मसीह ने हर वो एक चीज को जो एक मनुष्य जो करता है उन चीजों में वो लोग यीशु मसीह रहे। जैसे कि उनको भूख लगी, उनको प्यास लगी, उनको व्याकुलता हुई, उन्होंने दर्द और पीड़ा को भी महसूस किया। उन्होंने इस तरीके से जो भी मनुष्य
जिन चीजों को अनुभव करता है अपने जीवन में, उन हर एक चीजों को अनुभव किया, और यहाँ तक कि क्रूस पर उनका लहू भी बहा और वो अपने शरीर पर मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। तो इन सारी चीजों को हम देखकर ये कभी नहीं कह सकते कि यीशु मसीह एक मनुष्य नहीं थे। यीशु मसीह एकदम 100% मनुष्य थे। लेकिन इसके साथ में ये सच्चाई जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है कि यीशु मसीह जिस समय 100% मनुष्य थे, उसी समय 100% परमेश्वर भी थे। और इसलिए यीशु मसीह इस चीज का भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में जिक्र करते हैं कई बार कि मैं और पिता एक हूँ, हाँ मैं पिता के साथ हूँ। और यीशु मसीह मैं उस एक टॉपिक में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बाइबल इस चीज़ का जिक्र करती है कि परमेश्वर त्रिएक है, तीन व्यक्तियों में विद्यमान है, जहाँ पर परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है जो कि यीशु मसीह, और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। तो इन तीनों व्यक्तियों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह बिल्कुल एक परमेश्वर भी थे 100%, और यीशु मसीह 100% एक मनुष्य भी थे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इस सच्चाई से रूबरू रहें, इस सच्चाई को आप जान कर रखें, इस सच्चाई पे आप जागरूक रहें। कई लोग आपको कई प्रकार की अलग अलग बातों के विषय में बता सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे करके मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल यीशु मसीह मनुष्य थे। और इन सबके साथ में ये जानना बेहद जरूरी है कि यीशु मसीह का मनुष्य होने का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस, इतना बड़ा सिग्निफिकेंस, इतना बड़ा महत्व क्यों है, क्यों इतना बड़ा महत्व यूहन्ना इस चीज को जोर दे रहा है बार बार कि यीशु मसीह मनुष्य थे। अगर जो इस सच्चाई को नहीं मानते हैं वो लोग झूठे हैं, वो झूठे शिक्षक हैं। क्यों इस बात को वो इतना जोर देकर कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह का मनुष्य होना बेहद जरूरी था उस एक योजना में जहां पर मनुष्य अपने पापों से आजादी पाए, जहां मनुष्य अपने पापों से उद्धार पाए। अगर यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप धारण नहीं करते, एक देह धारण नहीं करते, तो हम मनुष्य जाति अपने पापों से आजादी को नहीं पाते। जैसा कि अगर हम इब्रानियों 9 अध्याय उसके 22 पद को देखते हैं तो वहां पर इस चीज का वर्णन है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हम हर एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, और हमारे और परमेश्वर के बीच में, हम मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप की एक बहुत बड़ी खाई है, जिसको हम अपनी क्षमताओं से, अपनी ताकत से कभी भी पार नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कितने भी भले काम क्यों ना कर लें, चाहे हम कितना भी दान, कितनी भी पूजा आराधना, कुछ भी क्यों ना कर लें, हम लोग इस पाप की खाई को कभी भी पार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल इस चीज का साफ जिक्र करती है, और परमेश्वर के करीब होने के लिए हमें पवित्रता को हासिल करना बेहद जरूरी है। और हम इन पापों से आजादी तब पा सकते हैं जब लहू बहाया जाए, लेकिन हम मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने लहू को बहाएं और हम उन पापों से छुटकारा पाएं। हमारे लिए कोई ऐसा व्यक्ति लहू बहाए जो कि बिल्कुल जिसके अंदर एक भी पाप नहीं है, और हम मनुष्यों में कोई भी ऐसा काबिल नहीं है जो बिना बिना पाप के या बिल्कुल निर्दोष हो सके। केवल और केवल परमेश्वर, जो मनुष्य का रूप धारण किया अर्थात यीशु मसीह, उनके पास ऐसी काबिलियत थी जो अपने लहू को बहाए और मनुष्य जाति पापों से आजादी पाए। और इसलिए यीशु मसीह का मनुष्य होना बेहद जरूरी था कि वो हमारे हमारे लिए अपने लहू को बहाए और हम पापों से आजादी पाए। दूसरा पहलू अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर कोई स्वर्ग में विराजमान राजा नहीं है जो वहां पर बस ये सोचता है कि चलो मैंने मनुष्य को सृष्टि कर दिया है, अब अपने आप जैसे भी जिए। नहीं, परमेश्वर जब मनुष्य यीशु मसीह जब मनुष्य का रूप धारण करके आए, उन्होंने हर एक उन अनुभव को किया जो हम आज कर रहे हैं। व्याकुलता को, निराशा को, दुख को, उदासी को, पापों से संघर्ष को, हर उन चीजों को उन्होंने अनुभव किया। और वो इस चीज का हमें आशा देते हैं, इस चीज का हमें ढांढस देते हैं, इस चीज का हमें साहस देते हैं कि मैं तुम्हें जो विश्वास देता हूं, मैं तुम्हें जो धार्मिकता देता हूं, उसके द्वारा तुम भी इन पापों से आजादी, इन पापों से ऊपर उठ सकते हो। परमेश्वर हमारे साथ सहभागी हुए, और इसलिए यीशु मसीह का मनुष्य का रूप धारण करना बेहद जरूरी था।
और ये हमें विश्वास करना बेहद जरूरी है। अगर हम इस सच्चाई को नहीं मानेंगे कि यीशु मसीह एक मनुष्य पे हो, एक देह धारण करके, एक मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आए, तो मेरे प्रियो हम अपने विश्वास में बहुत कमजोर हो जाएंगे। हम उस आधार को ही खो देंगे जिसके द्वारा हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और इस चीज को यूहन्ना बहुत ही सच्चाई के साथ हमें बताना चाह रहा है। तो मैं इस चीज के द्वारा आपको ये लागूकरण, ये एप्लीकेशन पॉइंट बताना चाहूंगा कि आप यीशु मसीह की सच्चाई को जाने, यीशु मसीह की इस आधारभूत सच्चाई को जाने कि यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो वो 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे। और मैं अगले जो पॉइंट में चलना चाहूंगा जो कि अध्याय एक उसका 8 और 9 को मैं पढ़ना चाहूंगा, और वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। और इन दो पद से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि पहली थी झूठी शिक्षा जिसमें यीशु मसीह को लोग मनुष्य नहीं मान रहे थे, लेकिन इस प्रकार की अगर झूठी शिक्षा में हम पढ़ जाते हैं तो उस झूठी शिक्षा के क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या रिजल्ट आता है, क्या कंसिक्वेंसेस आते हैं, उस बारे में यूहन्ना यहाँ पर वर्णन करता है कि अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो। यहाँ पर यूहन्ना इस चीज को जिक्र कर रहा है, यूहन्ना जिस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है वो उनको बताना चाह रहा है कि उस कलीसिया पे हम लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है, परिश्रम किया है लोगों को विश्वास में लाने के लिए, और हमारी गुजारिश है कि तुम उन लोगों को सही प्रकार से शिक्षा दो, उनको किसी झूठी शिक्षा में ना फंसाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम हमने किया है परमेश्वर के राज्य के लिए उसको तुम बिगाड़ दो और उसका पूरा प्रतिफल ना पाओ। ये जानना हमारे लिए मेरे प्रियो महत्वपूर्ण है। और आगे जैसा लिखता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। और यहाँ पर वो अगर हम आज के इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैं इस चीज को बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण भाषा में बताना चाहूंगा कि अगर आज हम देखते हैं तो हमारे कई जो एल्डर्स हैं, कई हमारे जो पास्टर हैं, पासवान हैं, वो लोग कलीसिया के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। वो अपने व्यक्तिगत, अपने निजी जीवन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष उठाते हैं और परमेश्वर की कलीसिया के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। दिन और रात परमेश्वर की जो कलीसिया उन्हें जिम्मेदारी में दी गई है उसको बढ़ाने के लिए लगातार परिश्रम करते हैं। तो केवल परिश्रम करना ही जरूरी नहीं है, उस कलीसिया को झूठी शिक्षा से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कलीसिया का उद्देश्य है कि कलीसिया और भी ज्यादा परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़े, फलवंत हो और कई लोगों को परमेश्वर के विषय में सुसमाचार सुनाया जाए। जिस प्रकार से आज हम लोग पापों से आजाद हुए हैं, हम लोग परमेश्वर के करीब आए हैं, उसी प्रकार से दूसरे लोग भी परमेश्वर की इस सच्चाई को जाने और अपने पापों से आजादी पाए और परमेश्वर के करीब आए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी कलीसिया की है, लेकिन अगर किसी कलीसिया में झूठी शिक्षा आ जाती है तो उसका बहुत ही गलत परिणाम, बहुत ही खतरनाक परिणाम होगा, कलीसिया बिखर जाएगी। और उसे एक चीज को यूहन्ना यहाँ जिक्र कर रहा है कि जो एक प्रतिफल मिलना चाहिए वो प्रतिफल नहीं मिल पाएगा, जिस एक उद्देश्य के साथ मेहनत और परिश्रम किया गया वो मेहनत और परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। हम केवल इस चीज के में फंसे रह जाएंगे कि कलीसिया में जस्ट सुधार झूठी शिक्षा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि कलीसिया को हम आगे बढ़ाएं, नए नए लोगों को हम परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताएं। और इसके साथ में ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होगा कि हम अपने आत्मिक जीवन में, जैसा कि 9वें पद में करता है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो इस चीज को हमें जानना एक जरूरी चीज है कि कई बार लोग क्या करते हैं, कई प्रकार की
अपने उद्देश्यों में कई प्रकार की जो एक गड़बड़ी है, मैं इन चीजों को थोड़ा सा और जिक्र करना करके थोड़ा सा बताऊंगा कि लोग हम कई बार हमारे बीच में आके किस प्रकार से कुछ कुछ बातों को बोलते हैं जो कि लगती तो बाइबल के वचन जैसी है लेकिन असल में वैसी होती नहीं है। हाँ, तो जैसा वो नौवें पद में लिख रहा है कि जो कोई इन शिक्षाओं से आगे बढ़ जाता है, ठीक है, हम में से कई लोग इन सच्चाइयों को जानते हैं, बाइबल को अध्ययन करते हैं और बहुत सारी शिक्षाओं को सुनते हैं, लेकिन इसके साथ में कई बार हम इन शिक्षाओं से के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन हम अपने बुद्धि को इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि इन शिक्षाओं से आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से बाइबल में एक जगह जिक्र है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया अपनी महिमा और सेवा के लिए, लेकिन उनमें से एक स्वर्गदूत था जिसको लूसीफर नाम था, वो जो अधिकार उसको दिया गया उससे आगे बढ़ गया, वो बोल रहा है मैं परमेश्वर से भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। तो शायद हम में से कई लोग, हमें बाइबल दी गई है, हम उस बाइबल की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, लेकिन नहीं, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। हम अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट समझने लगते हैं कि नहीं, हम एक नई थियोलॉजी बना देंगे, हम एक नया बाइबल की शिक्षा को पैदा कर देंगे। और हो सकता है, जैसे कि अगर कुछ एग्जाम्पल को मैं देना चाहूँगा, तो कुछ लोग बहुत ही घमंड के साथ इस शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं और खासकर कि ऐसी बातों को बोलते हैं जो कि सुषमाचार को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, सीधे तौर पर अफेक्ट करती है, ऐसी शिक्षाओं को देते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, लेकिन अगर जब तक हम अच्छे कामों को नहीं करेंगे, हम उस उद्धार को नहीं पाएंगे। कुछ लोग इस तरीके से शिक्षा देते हैं, लेकिन अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो केवल और केवल यीशु मसीह के पर विश्वास के द्वारा हमें हमारे पापों से आजादी मिलती है, और बिल्कुल हमें भले कामों में आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारे उद्धार का परिणाम है, हमारे उद्धार का एक रिजल्ट है, ना कि भले काम हमें उद्धार को लेके आते हैं। तो इस प्रकार की कुछ लोग शिक्षा देते हैं, उस शिक्षाओं से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग इस चीज की शिक्षा देते हैं कि आपने विश्वास कर लिया है, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। कुछ लोग इन शिक्षाओं को भी देते हैं। कुछ लोग इस बातों को भी बोलते हैं कि क्रूज पर यीशु मसीह का लहू बहा है, इस क्रूज की रिस्पेक्ट करना, इस क्रूज को अपने घर पे लगा लो, इस क्रूज को तुम पूजा करो, ये क्रूज तुम्हें लगातार पवित्र पवित्र करता जाएगा। हम मानते हैं कि यीशु मसीह क्रूज पर चढ़ाए गए और उनका क्रूज हमारे क्रूज की घटना को याद करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उस क्रूज को पूजना, आखिरकार बाइबल हमें सख्त हिदायत देती है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने लिए कोई भी तस्वीर प्रतिमा कुछ भी ना बनाना और उसकी पूजा ना करना, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और जीवित परमेश्वर को हम इन मूर्तियों में, इन निर्जीव वस्तुओं में क्यों ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इन शिक्षाओं से आगे बढ़ते हैं और हमें अलग प्रकार से कुछ शिक्षा देते हैं। कुछ लोग इस प्रकार की भी शिक्षा देते हैं कि जैसे आपने पाप किया है, कोई बात नहीं, आप बहुत ज्यादा दान दे दो, आप बहुत ज्यादा अच्छे काम कर दो, आपके पाप खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा कई लोग लोगों के पाप भी बताने से डरते हैं इस चीज से कि ये इसका दान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका दान हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि अगर हमने पाप किया है तो हम अपने पापों को अंगीकार करें, उन पापों के प्रति हम परमेश्वर के सामने अपने आप को पश्चाताप के लिए रखें, और परमेश्वर हमें हमारे पापों को माफ करने के लिए सामर्थी है और विश्वास योग है। हम दान और अच्छे कामों के द्वारा अपने पापों से नहीं आजादी पा सकते। तो इस प्रकार की झूठी झूठी शिक्षाओं को लोग जो सुषमाचार को सीधे तौर पर प्रभावित करती है और इन शिक्षाओं से आगे बढ़ जाते हैं, और इस प्रकार की बातों को यूहन्ना वहां की कलीसिया के बारे में बताना चाह रहा है और बहुत ही गंभीरता के साथ बताना चाह रहा है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार की झूठी शिक्षा में फंस जाएंगे जो सुषमाचार को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, तो आप अपने विश्वास की एक बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच जाएंगे, जहां पर अपने विश्वास से आप बिल्कुल डगमगा सकते हैं, आप अपने विश्वास में बहुत ही ज्यादा और मसीह जीवन में बहुत ही संघर्ष को महसूस करेंगे। और इसके साथ में
ये परिणाम है जब हम इन झूठी शिक्षाओं में फंसते हैं, तो एक परिणाम होता है कि हम अपने मसीह जीवन में और विश्वास में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आज जैसे प्रभु की ओर से हम कई लोगों को एक जिम्मेदारी मिली है, यहाँ तक कि हम सबको जिम्मेदारी मिली है, अगर यहाँ कई नए लोग हैं हम उनको भी बताना चाहेंगे कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर की सच्चाई को दूसरों तक पहुँचाएँ, और जब हम दूसरों तक परमेश्वर की सच्चाई को पहुंचाते हैं लेकिन इन झूठी शिक्षाओं में फंस जाते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक ठोकर का कारण बन जाते हैं, जो कि एक झूठी शिक्षा का बहुत ही गंभीर परिणाम है। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से जो कलीसिया की बढ़ोतरी होनी चाहिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो बढ़ोतरी रुक जाती है। ये भी एक गंभीर परिणाम है। तो मैं आपको इस चीज के लिए और इस चीज में आपको बस एक एप्लीकेशन पॉइंट देना चाहूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, इस एक पद के द्वारा, जो ये दो पद में 8 और 9 का जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें इस प्रकार से है कि आप बाइबल को स्वयं से अध्ययन करें, आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और बाइबल को स्वयं अध्ययन करें, और कभी भी हम में से कोई भी आपको वचन प्रचार करता है उस वचन को आप एक बार बाइबल में से जरूर करके क्रॉस रेफरेंस करें, उसको जांचें कि उसमें सच्चाई है या नहीं है। क्योंकि अगर आप केवल ब्लाइंड फेथ, केवल आंखों को मूंद कर किसी भी प्रचारक को सुनेंगे और उस पर बस विश्वास कर लेंगे उसकी बातों पर, तो आप कभी ना कभी झूठी शिक्षा में फंस जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर की ओर से बाइबल हर एक भाषा में हमें उपलब्ध है, आपको हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी भाषा में, मलयालम में, तेलुगु में, किसी भी भाषा में चाहिए, आपको अवेलेबल है। आप उस बाइबल को पढ़ें और उसको एक क्रॉस रेफरेंस करें जब भी आपको कोई वचन प्रचार किया जाता है। दूसरा, किसी भी प्रचारक को, चाहे कोई कितने भी बड़े स्टेज में हजारों या लाखों लोगों के सामने भी वचन का प्रचार कर रहा है, आप उसको बिल्कुल भी आंख मूंद कर उस बात पे विश्वास ना करें। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत अच्छे प्रचारक हमें दिए हैं जो हमें सिखाते हैं, लेकिन बाइबल को आपको अध्ययन करना बेहद जरूरी है उस चीज को। और इसके साथ में जब भी आपको किसी वचन पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, तो आप उस वचन को अपने पासवान पास्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने मसीह भाई बहनों के साथ उस वचन को डिस्कस कर सकते हैं कि ये वचन जो मैंने और एक बात को और लाना चाहूँगा कि यहाँ कई लोग इस तरीके की जो गॉड टीवी टाइप के चैनल है उन्हें देखते हैं और बड़े खुश होते हैं और उन पर एकदम भरोसा करते चलते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों में सावधान रहना है कि कोई टीवी में भी प्रचार कर रहा है उससे भी सावधान रहना है। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप अपने साथी, आपके आपके कलीसिया के जो लोग हैं, आप उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें। हम लोग भी हमेशा डिस्कस करते हैं और बहुत सारे वचनों पर हम लोग एक क्लियरिटी को, एक सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं और विश्वास माने, पवित्र आत्मा हमें इन वचनों, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखा गया है, तो विश्वास करें। पवित्र आत्मा से जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो पवित्र आत्मा आपके मन को, इन वचनों को जानने के लिए मदद करेंगे। इस चीज में आप विश्वास करें, अपने भाई बहनों के साथ इनको अध्ययन करें, उनके साथ डिस्कस करें, तो आप इस प्रकार से झूठी शिक्षा के जो परिणाम है उनसे आप बच सकते हैं। और इसके साथ में तो ये एक जरूरी पॉइंट था। और इसके साथ में मैं जो 10 और 11 पद को पढ़ना चाहूंगा जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस स्लाइड में भी मैंने इसको मेंशन किया है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो ना उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। और यहाँ पर यूहन्ना इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इस तरीके के बड़े सख्त शब्दों को वो लिख रहा है कि अगर कोई भी झूठी शिक्षा को लेकर तुम्हारे पास आए उसको घर में ना आने दो और ना नमस्कार करो, और जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है उसके वह उसके बुरे कामों में साझी होता है।
यहाँ पर हमें इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा समझना जरूरी है। अगर आप इस पूरे वचन को पढ़ें और इसके जो आखिरी 12 और 13 है, वहाँ पर यूहन्ना एक नारी, एक स्त्री के विषय में कहता है और उनके बच्चों के विषय में कहता है। पहले पहले पद में भी लिखा है कि मैं उस स्त्री को लिखता हूँ और उसके बच्चे वालों को, उसके बालक को लिखता हूँ। तो अगर आप पूरे यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो आपको पता लगेगा कि यूहन्ना किसी एक स्त्री को नहीं लिख रहा है, वो एक कलिसिया को लिख रहा है और किसी बच्चे, उस स्त्री के बच्चों को नहीं लिख रहा है, बल्कि किनको लिख रहा है, उस कलिसिया के सदस्यों को लिख रहा है। तो इसी तरीका से अगर हम इस वचन को देखें जो 10 और 11 में लिखा है कि उसको घर में ना आने दो, उसको नमस्कार ना करो, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई मसीह की शिक्षा में विश्वास नहीं करता है, आप उससे एकदम दूर हो जाओ। नहीं, हमें बात नहीं करनी है आप लोगों से, आप तो परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। नहीं, हमें बिल्कुल लोगों से ओपन रहना है, बात करने के लिए बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ। हमें हमें बिल्कुल भी लोगों से दूरी नहीं बनानी है। लेकिन वो इस चीज का जिक्र कर रहा है कि उनको चौकस रहो, उनको घर में ना आने दो। घर का मतलब, अगर स्त्री और बच्चों का मतलब कलिसिया उसके सदस्य हैं, तो घर का मतलब सिंपल सी बात है, कलिसिया है या तुम्हारा चर्च हो सकता है, जहां पर उस चर्च में उस एक व्यक्ति को, एक खासकर पासवानों के लिए अगर हम इस वचन को कहें, या कलिसिया के जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए ये वचन को यमुना लिखना चाह रहा है और उनको बोलना चाह रहा है कि ऐसे लोगों को जो झूठी शिक्षा देते हैं, खास करके जो यीशु मसीह, जो सुषमाचार की बातों को नहीं मानते हैं, जो यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं मानते हैं, उन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आप कलीसिया में प्रचार करने का मौका ना दो, क्योंकि ऐसे लोग कलीसिया में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी को फैला सकते हैं। कलीसिया को सिखाना और सुधारना बहुत एक लंबा वक्त लगता है, लेकिन अगर हम झूठे शिक्षकों को नहीं डिटेक्ट करेंगे, नहीं पहचानेंगे और उनको कलीसियाओं में हम प्रचार करने का मौका देंगे, तो एक बड़े बड़े गंभीर परिणाम को और एक बड़ी गंभीर स्थिति में हम कलीसिया पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर यूहन्ना वहाँ के कलीसिया को लिखना चाह रहा है कि ऐसे लोगों को आप पहचानो और उनको कलीसिया में प्रचार करने का मौका ना दो, जो लोग सुसमाचार की सच्चाई को विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग यीशु मसीह की सच्चाई को विश्वास नहीं करते हैं। तो इन बातों के विषय में यूहन्ना कह रहा है और इसलिए इन बातों को लेकर यूहन्ना इस बात को कहना चाह रहा है कि इन बातों में हमें चौकस रहना है। और मैं इस बात को एक वचन के द्वारा पढ़ना चाहूंगा जो मत्ती 7 अध्याय उसके 15 से 27 में लिखा हुआ है, और उसके बाद हम इस बात को एक खत्म करेंगे। मत्ती का 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15 से 27 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उन दिनों बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराने लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है
और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर टकरे लगी और गिरकर सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पर मत्ती रसीय सुषमाचार में यीशु मसीह इस एक बात को जिक्र करता है कि झूठे शिक्षक लगेंगे तो भेड़ जैसे मतलब हमारे समान लगेंगे, लेकिन वो अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। और ऐसे लोग हे प्रभु सब प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन अंत के समय में जब यीशु मसीह हमें दोबारा लेने आएंगे और हमारा न्याय करेंगे, उस समय यीशु मसीह उनको बोलेंगे, उन दिनों बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। तो ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि इस प्रकार की झूठी शिक्षा उनके परिणामों से और इस प्रकार के लोगों को कलिसिया में प्रचार करने से, इस प्रकार के लोगों से जो हो सकता है सुषमाचार के अनुसार बातें नहीं करते हैं। बिल्कुल हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप प्रेम के साथ परमेश्वर धीरज के साथ बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके आप उनसे बातचीत करें, आप बिल्कुल उनसे बातचीत करें, क्योंकि उनको भी सच्चाई को जानना बेहद ज़रूरी है। और उनको सच्चाई कौन बताएगा, हम लोग जिनको परमेश्वर ने सच्चाई जानने के लिए अनुग्रह किया है। और इस बात के लिए यूहन्ना लिखता है और अंत में जो पद 12 है और 13 है वहाँ पर यूहन्ना बहुत ही प्रेमपूर्वक उस एक कलीसिया को जिसको वो चिट्ठी लिख रहा है उनको कहता है, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है पर कागज़ और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और सम्मुख होकर बातचीत करूँगा जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। और बिल्कुल यूहन्ना उनके साथ आनंद करना चाहता है, तेरी चुनी हुई बहन और लड़के वाले तुझे नमस्कार करते हैं। और यहाँ से फिर से वो एक बार उस कलीसिया को और उसके सदस्यों को नमस्कार और उनको एक इन इन प्रकार की शिक्षाओं में मजबूत बने रहने के लिए, सच्चाई को पकड़े रहने के लिए उत्साहित कर रहा है। तो हम अगर जल्दी से जाएंगे तो मैं इन चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जहाँ पर जो तीन बातों को मैंने यहाँ पर जिक्र किया है उन बातों को मैं फिर से जिक्र करना चाहूँगा। और मैं अपनी स्लाइड को ओपन करता हूँ और यहाँ पर इस प्रकार से जो था कि पहला था कि यीशु हमें क्या यीशु मसीह के प्रति जो गलत धारणा है उसको हमें यीशु मसीह की सच्चाई को जानकर उससे हमें टैकल करना है, उससे हमें क्या करना है, लड़ना है। यीशु मसीह के प्रति बहुत सी गलत धारणा है, लेकिन यीशु मसीह की सच्चाई को मेरे प्रियो हम लगातार जानते चले जाएं। और दूसरी जो बातें हमने सीखी उसमें था कि झूठी शिक्षा के जो परिणाम हैं उनसे हमें बच के रहना है, क्योंकि झूठी शिक्षा के जो परिणाम हैं वो बेहद गंभीर हैं, उनसे हमारा जीवन एक संघर्ष में पहुंच जाता है, हम परमेश्वर की योजना के बाहर हो जाते हैं, कलीसियाएं बिखर जाती हैं। तो इसलिए झूठी शिक्षा से हमें लड़ने के लिए हमें लगातार बाइबल को अध्ययन करना है और मसीह भाई बहनों के साथ हमें उन वचनों को लगातार डिस्कस करते रहना है, उन पर बातचीत करते रहना है, एक दूसरे के साथ सीखते रहना है। और तीसरी जो झूठे शिक्षकों से हमें सावधान रहना है, ऐसे शिक्षकों को हमें क्या है बहुत ही एक बुद्धिमानी के साथ समझना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और साथ में हमें ऐसे शिक्षकों को कलीसिया में प्रचार करने से हमें बचना चाहिए, उनको हम मौका ना दें, खासकर वो लोग जो सुषमाचार की सच्चाई पर विश्वास नहीं करते हैं और यीशु मसीह की सच्चाई पर विश्वास नहीं करते हैं। और इन वचनों के द्वारा वाकई मैं इस चीज़ की आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इन वचनों को एक सीखने के लिए और इन वचनों में हमें एक सफाई को, एक क्लियरिटी को जानने के लिए अनुग्रह किया होगा। और वाकई मैं प्रभु का इन बातों के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। और आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन वचनों को जो हमने सुना है, प्रभु हमें इनको लागू करने के लिए अनुग्रह करें। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज के दिन में आपने हमें
इस दूसरा यहुन्ना एक अध्याय उसका 7 से 13 को अध्ययन करने के लिए अनुग्रह किया है। इस वचन को हमें आप अधिकाई से हमारे मन में जीवन में लागू होने के लिए अनुग्रह करें। हमें हम वाकई में बहुत ही कमजोर और हमारे अंदर इतनी क्षमताएं नहीं है प्रभु कि हम इस प्रकार की झूठी शिक्षा को बहुत ही आसानी से डिटेक्ट करके इसके साथ हम लोग लड़ पाए। लेकिन हमारी निर्भरता केवल आपके ऊपर है। आपकी पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह प्रदान करे, सामर्थ्य दे कि हम इन झूठी शिक्षाओं से सावधान रह सकें, जिससे कि हम इन झूठी शिक्षाओं से बचकर अपने आत्मिक जीवन में, विश्वासी जीवन में और कलीसिया के साथ हम निरंतर आगे बढ़ सकें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस समय समय है प्रभु भोज के लिए और आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग इन दिनों में हम लोग एक साथ आपस में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो हम प्रभु भोज नहीं ले पा रहे हैं एक साथ इकट्ठा होकर। लेकिन प्रभु ने अनुग्रह और अगुवाई की है कि हम लोग अपने अपने जगह में बैठकर हम प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। अगर आप लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तो मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूँगा कि आप लोग प्रभु भोज में हमारे साथ शामिल हों। लेकिन अगर आप अभी भी, मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद हम इस प्रभु भोज में जाएंगे। मैं इस वचन को पढ़ना चाहूँगा जो वचन है कि पहला यूहन्ना 1:10 और वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 1 उसके 10 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हम में पाप नहीं तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। और यूहन्ना एक बार फिर से हमें इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता है कि आज अगर हम किसी प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं, लेकिन बेहद ज़रूरी है कि हम उस पाप को अंगीकार करें और परमेश्वर के सामने पश्चातापी मन को लेकर आएं। और प्रभु भोज उसका एक यादगार है, एक चिन्ह है जो हमें पश्चाताप के लिए, परमेश्वर की करीबी में आने के लिए उत्साहित करता है, हमें याद दिलाता है। और इस प्रभु भोज में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप अपने साथ ब्रेड, रोटी, बिस्किट रख सकते हैं, जिसको हम यीशु मसीह की देह के तौर पे हम चिन्हित करते हैं, जो यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई है, जिसके द्वारा हमें धार्मिकता मिलती है। और दूसरा, हम अपने साथ जूस, पानी को रख सकते हैं, जो यीशु मसीह के लहू को चिन्हित करता है, जो मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है, जिसके द्वारा हमें पापों से आज़ादी मिली है, हमारे पाप धुल गए हैं। तो हम इन दोनों चिन्हों को, रोटी और ब्रेड को, रोटी या फिर ब्रेड को या फिर पानी और जूस को, हम लोग इन चिन्हों के रूप में हम लोग याद करते हैं। और खासकर इससे बढ़कर हमें अपने मन को तैयार करना है कि हम परमेश्वर के सामने अपने मन को खोल कर रखें और हम एक पश्चातापी मन के साथ परमेश्वर के सामने आए और वचन के अनुसार वो हमें माफ़ करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। और अगर आप अभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता या प्रभु ग्रहण नहीं करे हैं, या फिर आप अभी भी अपने पापों से एक उद्धार पाने के लिए आप उस एक स्थिति में नहीं हैं, तो कृपया करके आप इस प्रभु भोज में शामिल ना हों। और लेकिन आप फिर भी प्रार्थना करें कि प्रभु आपको मदद करे। तो मेरे प्रियो, इस बात के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैंने एक कटोरे में बिस्किट लिया है और एक में पानी लिया है, और इसके साथ आप मेरे साथ भी इन चीज़ों को ले सकते हैं अपने अपने जगह पर और शामिल हो सकते हैं। मैं आपको समय देना चाहूँगा कि आप 1 अपनी आँखों को बंद करें और अपने मन को एक पश्चातापी तौर पर आप तैयार करें और परमेश्वर के सामने आए और अपने मन को खोल कर रखें और विश्वास करें प्रभु आपको क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास करें। ठीक है, आप इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं।
ठीक है, तो इस समय हम सब प्रभु में शामिल हो सके हैं और